तो मार्शल मास्टर के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि हान्फी आगे आकर सभी लोगों को बताता है कि उसने स्वॉर्ड टावर के 5th लेवल को अचीव किया है। तो सुनते ही वहां पर खड़े सभी एल्डर्स गुस्सा हो जाते हैं और अब वह हान्फी के टीचर का मजाक उड़ाते हुए बोलने लगते हैं कि हमारा स्टूडेंट बस यहाँ पर 5th लेवल पर ही अटक कर रह गया, पर हमारे सभी स्टूडेंट ने 6th लेवल को अचीव किया है। सुनते ही हान्फी हैरान होते हुए बोलता है, मास्टर मैं उन लोगों का नाम जानना चाहता हूँ जिन्होंने 6th लेवल को अचीव किया है। तभी सुयान और लैंग्वेन फेंग भी यह सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं कि यह नामुमकिन है, वह दोनों भी यहाँ पर 5th लेवल से आगे नहीं जा पाए, तो आखिर 6th लेवल को अचीव करने वाला पर्सन कौन है। यह सुनकर एल्डर्स को कुछ भी समझ में नहीं आता है और अब एक एल्डर आगे आते हुए बोलता है, आखिर सुई कहाँ पर है और मुझे यहाँ पर यांगलिंग भी कहीं पर दिखाई नहीं दे रहा है, क्या वह दोनों स्वॉर्ड टावर के अंदर ही मारे गए? आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, वह दोनों बहुत ही ज्यादा पावरफुल थे। तभी डीमन स्वॉर्ड सेक्ट का हेड आगे आते हुए बोलता है, मुझे बताओ कि आखिर डीमन स्वॉर्ड टावर के अंदर क्या हुआ और आखिर सुई यहाँ पर तुम्हारे साथ मौजूद क्यों नहीं है। अब यह सुनकर सुयान और लैंग्वेन फेंग बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाते हैं। अभी सुयान आगे आते हुए बोलती है, मास्टर मुझे आपको एक रिपोर्ट देनी है, ब्रदर हान्फी ने सुई को जान से मार दिया क्योंकि ब्रदर सुई स्वॉर्ड टावर के अंदर काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे थे और स्वॉर्ड कॉम्पिटिशन के लिए उनके पास मौजूद टैलेंट ब्रदर हान्फी से बहुत ही ज्यादा अच्छा था। इस बात से जेलेसी फील करते हुए हान्फी ने ब्रदर सुई को जान से मार दिया। यह सुनकर सेक्ट मास्टर को यकीन नहीं होता है और अब वह बोलता है, सुयान क्या तुम्हें पता भी है कि तुम यहाँ पर क्या बोल रही हो? सुयान बोलती है, मास्टर आप यहाँ पर मौजूद सभी लोगों से भी इस बारे में पूछ सकते हो, सभी लोगों ने हान्फी को यह करते हुए देखा है। यह सुनकर हान्फी बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है और अब वह चिल्लाते हुए बोलता है, सुयान आखिर तुम मेरे साथ यह क्यों कर रही हो? और अब वह सेक्ट मास्टर की ओर आगे बढ़ते हुए बोलता है, सेक्ट मास्टर सुयान और लैंग्वेन फेंग यहाँ पर मुझे फंसाकर सेक्ट के नए मास्टर बनना चाहते हैं, मैं यहाँ पर इनोसेंट हूँ, मैंने ब्रदर सुई को नहीं मारा है। तभी सुयान बोलती है, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम्हारे अलावा यहाँ पर सुई को कोई भी नहीं मार सकता था। हान्फी बोलता है, मास्टर मैं चाहता हूँ कि आप इस मैटर को अच्छे से इन्वेस्टिगेट करो और वैसे मैं जानता हूँ कि यहाँ पर सुई को किसने मारा है, यहाँ पर सुई को मारने वाले कोई और नहीं बल्कि क्वेंचैन और रोयू है। यह सुनते ही क्वेंसु परेशान हो जाती है। तभी क्वेंचैन बोलता है, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं। तभी हान्फी बोलता है, मास्टर मैं आपको सब कुछ डिटेल में बताता हूँ, स्वॉर्ड माउंटेन के ऊपर क्वेंचैन और रोयू के साथ ब्रदर सुई की बहस हुई थी क्योंकि क्वेंचैन और रोयू दोनों ने ही गोल्डन पाथ को एक्टिवेट किया था और जैसे ही ब्रदर सुई को इस बारे में पता चला उसने इन दोनों पर अटैक करते हुए इनके पास मौजूद सीक्रेट टेक्निक और ट्रेजर्स को छीनने की कोशिश की और क्वेंचैन के बगल में जो लड़की रोयू खड़ी है यह और भी ज्यादा खतरनाक है क्योंकि अगर टाइम रहते उस जगह पर स्वॉर्ड गेट खुला नहीं होता तो इसने अपने पास मौजूद गॉड लेवल स्वॉर्ड का यूज करते हुए सुयान को जान से मार दिया था। तो मेरे ख्याल से इन्हीं दोनों ने 4th लेवल पर पहुंचकर सुई और यांगलिंग पर अटैक करके उसे मारा है। तो मास्टर मैं चाहता हूँ कि आप अच्छे से इस बारे में इन्वेस्टिगेट करो। अब यह सुनते ही सेक्ट मास्टर वहाँ पर बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है और अब वह कुछ सोचने लगता है। अब यह देखते ही एक एल्डर पीछे से बोलता है, मास्टर आखिर आप इसमें इतना क्या सोच रहे हो, हमें इन दोनों को अभी यहाँ पर तुरंत कैद कर लेना चाहिए और इस बारे में इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करना चाहिए और जब तक हमारी इन्वेस्टिगेशन यहाँ पर खत्म नहीं हो जाती तब तक यह दोनों हमारे कैद में रहेंगे। यह सुनकर हान्फी बहुत ही ज्यादा खुश होता है और अब वह आगे बढ़कर उस एल्डर को थैंक्स करने लगता है। तभी पीछे से होंगी आगे आते हुए बोलती है, तुम्हें क्या लग रहा है, तुम लोग यहाँ पर जो चाहे वह कर सकते हो। अब यह सुनते ही हान्फी गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई डीमन स्वॉर्ड सेक्ट के एल्डर की बात काटने की। यह देखते ही होंगयेन को काफी ज्यादा गुस्सा आता है जो देखकर बगल में खड़ा डीमन स्वॉर्ड सेक्ट का मास्टर बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है। तभी हान्फी बोलता है, तुम्हें क्या लग रहा है, तुम हमारे डीमन स्वॉर्ड सेक्ट में आकर हम लोगों से इस तरह बात कर सकती हो और अब मैं भी देखता हूँ कि यहाँ पर मुझे क्वेंचैन और रोयू को कैद करने से कौन रोकता है। यह सुनते ही होंगयेन काफी गुस्से में हान्फी के ऊपर एक काफी खतरनाक अटैक करती है। हान्फी उस अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश करता है पर वह वहाँ पर बहुत ही ज्यादा घायल हो जाता है और अब वह सेक्ट मास्टर के पास जाते हुए बोलने लगता है, सेक्ट मास्टर यह लड़की भी रोयू और क्वेंचैन के साथ मिली हुई है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज आप इसे पनिश करो।
और तो और अभी आपने अपनी आंखों से देखा कि इसने अभी अभी मुझे जान से मारने की कोशिश की है। अब यह सब सुनकर होंग येन को और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और अब वो हानफी को मारने ही जा रही होती है कि तभी सेक्ट मास्टर काफी तेजी से हानफी पर एक अटैक करते हुए बोलता है, अपना मुंह बंद रखो, तुम्हें नहीं पता कि तुम यहाँ पर क्या बोल रहे हो। बेवकूफ, क्या तुम लॉ इन्फोर्समेंट की मिस होंग येन को नहीं जानते हो? यह बोलते हुए अब वह होंग येन के पास आते हुए उसके सामने बो डाउन करते हुए बोलता है, मास्टर प्लीज आप मेरे स्टूडेंट के इस बिहेवियर को माफ कर दीजिए और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं अपने स्टूडेंट को इस बिहेव के लिए काफी अच्छे से पनिश करूंगा। अभी होंग येन आगे बढ़ते हुए बोलती है, तुम्हारा यह स्टूडेंट बोल रहा है कि मिस रोयू ने यहाँ पर तुम्हारे एक स्टूडेंट को मारा है, तो क्या तुम्हें भी यहाँ पर लगता है कि मिस रोयू तुम्हारे छोटे से सेक्ट में पढ़ने वाले एक छोटे से स्टूडेंट को मारकर अपने हाथ गंदे करेगी? और अगर मेरी लॉ इन्फोर्समेंट की हेड को इस बारे में पता चला तो तुम्हें पता है कि वह कुछ मिनट के अंदर ही तुम्हारे इस पूरे सेक्ट को डिस्ट्रॉय कर देंगी, तो अपने स्टूडेंट्स को सिखाओ कि किसके सामने किस तरह बात किया जाता है, वरना तुम्हें और तुम्हारे सभी सेक्ट के लोगों को यहाँ पर बहुत ही ज्यादा पछताना पड़ेगा। तो सुनकर सेक्ट मास्टर दोबारा से होंग येन से माफी मांगता है। तभी रोयू होंग येन के पास आते हुए बोलती है, सिस्टर आप कैसी हो? होंग येन बोलती है, मिस रोयू आप बस मुझे होंग येन बुलाइए, मैं बस आपकी एक सर्वेंट हूँ। जिसके बाद वह रोयू को देखते हुए बोलती है, मिस रोयू कहीं आपको यहाँ पर कोई चोट तो नहीं लगी और कहीं डीमन स्वॉर्ड सेक्ट के किसी डिसाइपल ने आप पर अटैक तो नहीं किया? रोयू बोलती है, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वहीं पर यह सब देखकर हानफी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और अब वह बोलता है, यह लड़की लॉ इन्फोर्समेंट से बिलोंग करती है, इसीलिए यह यहाँ पर इतना ज्यादा उछल रही है। अभी होंग येन एल्डर्स की ओर देखते हुए बोलती है, तो क्या यहाँ पर अभी भी कोई एल्डर्स मिस रोयू को कैद करना चाहता है? अगर हाँ तो मैं तुम्हें यहाँ पर नमूना दिखा सकती हूँ कि एक सेक्ट कैसे डिस्ट्रॉय होता है। तभी एक एल्डर गुस्से में आगे आते हुए बोलता है, लॉ इन्फोर्समेंट नॉर्थन टेरिटरी में जस्टिस प्रोवाइड करता है, पर तुम यहाँ पर जस्टिस होने से रोक रही हो। तुम्हारी इस साथी ने मेरे स्टूडेंट को मारा है तो मैं इसे यहाँ से ऐसे ही नहीं जाने दूंगा। यह सुनते ही सेक्ट मास्टर की हालत खराब हो जाती है और अब वह उस एल्डर को चुप होने के लिए बोलता है, पर तब तक होंग येन अपने वेपन को बाहर निकालते हुए उस एल्डर के ऊपर अटैक कर देती है, जो देखते ही वह एल्डर अपने व्हाइट टाइगर टेक्निक का यूज करते हुए होंग येन के अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश करता है। अब उससे वहां पर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है और अब उन दोनों की पावर को देखकर सभी लोग डर जाते हैं। अभी होंग येन बोलती है, तो तुम यहाँ पर मुझसे फाइट करना चाहते हो, ठीक है। यह बोलते हुए वह अपने पास से एक तियस्लम निकालते हुए उसे अपने हंटर के साथ मर्ज करती है। यह सब देखकर सेक्ट मास्टर बहुत ही ज्यादा डर चुका होता है और अब वह बोलता है, मिस होंग येन मैं आपके सामने नील डाउन करके आपसे माफी मांगता हूँ, प्लीज एल्डर की इस गलती के बारे में भूल जाइए। पर होंग येन उसके बात को बिना सुने एक काफी खतरनाक अटैक उस एल्डर के ऊपर करती है। यह देखते ही वह एल्डर एक बैरियर बनाते हुए होंग येन के अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश करने लगता है, पर उसका बैरियर होंग येन के अटैक के सामने नहीं टिक पाता है और अब वह एल्डर वहां पर काफी बुरी तरीके से घायल हो जाता है और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।